सुहानी वो लड़की है जो पढ़ाई के साथ साथ दीपावली पर अपने माता पिता का मिट्टी के दीपक बनाने में सहयोग करती है। एक दिन सुबह सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल ITBP DIG APS निम्बाडिया मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, तभी ये बच्ची सुहानी प्रजापति जो कि कक्षा 6 की छात्रा है घर के बाहर मिट्टी के दिए बना रही थी। तो DIG APS निम्बाडिया ने बच्ची को अपने ऑफिस में बुलाकर बच्ची के साथ उसके माता पिता का सम्मान किया। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की कि अपने घरों पर दीपावली की लाइट झल्लर लाइट के सामान का कम से कम उपयोग कर मिट्टी के दिए घर में जलाएं और गरीब भी अपने दिए बेचकर दीपावली मना सकें, ऐसा प्रयास करें। हमारा देश भारत पूरे विश्व में दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारे संस्कृति। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति के अंदर कुछ ऐसा ताना बुना हुआ है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ डिपेंडेंट है, आश्रित है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान आता है, एक परंपरा है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग पूरे भारतवर्ष में चौक कहते हैं या कहीं चाक का पूजन कहते हैं। इसमें जब किसी भी परिवार में बच्चा होता है उस परिवार की महिलाएं जो हैं एकत्रित होकर कुम्हार जिनको हम प्रजापति भी कहते हैं उनके घरों में जाती हैं और उस चाक की पूजा करती हैं। अब सवाल उठता है कि चाक की पूजा क्यों करते हैं, इस चाक का क्या महत्व है। चाक का महत्व मिट्टी से, मिट्टी के घर बनते थे। जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी इतनी पवित्र है कि उसको जब भी हमारे घर में कोई खुशी आती तो मिट्टी के साथ जोड़ा जाता है। अब की दिवाली हम सब प्रण करें और अपने देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि बिजली का जो सजावट की चीजें आती हैं उनका कम से कम उपयोग करके हम मिट्टी के दिए, मिट्टी के जितनी भी सजावट की चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें। इस प्रकार से जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको जो भूली हुई है उसको हम दोबारा जोड़ें। और जो आज हमारी ये हमारी एक नन्ही परी भी आ गई, आइए आइए बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? आइए आइए, नमस्कार। जो छोटी सी एक लघु फिल्म हमने बनाई थी बिटिया के साथ, ये अपने परिवार के साथ आई है। और मैं बेटी से बहुत कहूँगा कि बच्चे बताओ आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो लक्ष्मी जी रहती हैं ये मिट्टी की हैं और इनमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम जैसे कि मार्केट में सेल करने जाते हैं तो इसमें पता नहीं दिए टूट जाते हैं, ये टूट जाती हैं, तो मतलब बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती हैं। फिर हम मार्केट में सेल करते हैं तो ग्राहक भी लेने में ज़्यादा खिचखिच करते हैं कि इतना सस्ता क्यों, लेकिन ये नहीं देखते कि मतलब कोई कुछ गरीब की मजबूरी भी तो होगी, इसलिए तो वो इतने मतलब रेट में बेच रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो देखा, एक परिवार को मैंने अनुरोध किया था कि पूरा परिवार आए और आपको बताए कि मिट्टी के दिए बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मिट्टी से खोदने से लेके उनको भट्टी में जलाने से लेके उनको बनाने तक, और उसके बाद असली काम हमारे नन्हे मुन्ने जो हाथ होते हैं जो उसमें पेंटिंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसमें हर चीज़ में खतरा है। तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब अब की दिवाली विशेष रूप से जो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है वोकल फॉर लोकल, इस नारे को सही मायनों में जो है हमें अपनाना होगा। और जितने भी हमारी संस्थान हैं सब अपने अपने जगह पे इनको हम प्रोत्साहित करें। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब की बार हमारे कैंप में आइए और होली के समय, दिवाली के समय जो ये दिए लगाएं कि दिवाली आप भी खरीदिए। और आज मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है, मैं अपने परिवार के साथ जो है ये दिए हम लोग अपने घर में लेके जाएंगे।